सर इसके कोफिशेंट होना चाहिए रियल नंबर, कोफिशेंट क्या होना चाहिए, रियल नंबर। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ तो बोली थी कि डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब बात करते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स के। नेचर ऑफ रूट में पहली बात कि इसके जो कोफिशियंट होते हैं वो रियल होने चाहिए, पहली बात है ये। नेचर ऑफ रूट के लिए आपके जो क्वाड्रेटिक कोफिशियंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, रियल हैं। दूसरा डी पे आती है बात, दूसरी बात आती है डी पे, और बात डी पे आती है तो टू टाइप से आती है कि डी जीरो है या नहीं है। अगर डी जीरो है तो किस तरीके से होगा, आंसर सुनिएगा। पहला है कि डी इक्वल टू जीरो, डी का मतलब आपको पता ही है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर ये जीरो है तो क्या है, अगर ये जीरो है तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर ये जीरो है तो रियल और इक्वल रूट होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना। इक्वल रूट्स को आप सेम भी लिख सकते हो क्योंकि हम यूज लेंगे। हाँ जी कोई दिक्कत है यहाँ तक आपकी, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। क्लियर है भाई सभी को, चलो देखते हैं। तो इसका कोई एग्जांपल लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। इक्वल रूट की बात करते हैं तो डी इक्वल टू जीरो करते हैं हम, जब रूट्स की बात कर रहे थे एक क्वाड्रेटिक की। है जी इक्वल रूट कब आएंगे, जब ये चीज डी जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी जीरो हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये है ना परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही थी तब, परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही थी तब की बात है ये। हाँ जी परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही थी तब की बात है ये कि एक्स प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू इसका स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन फोर ए स्क्वायर। अगर हमने बोला है कि डी इक्वल टू जीरो है, डी इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, डी इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इक्वल टू जीरो। हाँ जी ये क्या है, इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर बन गई है, जो इक्वेशन बनी है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इंपॉर्टेंट बात है ये कि यहाँ नोट लिख लीजिएगा कि इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। जब कोई इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर देती है तो इसका डी जीरो होता है, और इसको उल्टी तरीके से किस तरीके से देखा जाएगा, जिस इक्वेशन का डी जीरो होगा उसके परफेक्ट स्क्वायर होंगे और उसके सेम रूट होंगे, क्या होंगे, सेम रूट होंगे। इस बात से इसको कंबाइन कीजिएगा, इस बात से इसको ध्यान से देखिएगा कि जिस इक्वेशन के सेम रूट होंगे उसका डी जीरो होगा, जिस इक्वेशन के सेम रूट उसका क्या डी इक्वल टू जीरो, और दूसरी बात है जिसके सेम रूट होंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, वो क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी, और जो परफेक्ट स्क्वायर होगी उसका डी क्या होगा, जीरो होगा। एक ही बात को दो तीन तरीके से बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको अलग अलग नामों से बोला जाता है। परफेक्ट स्क्वायर बोलने का मतलब है डी इक्वल टू जीरो करना, इसको कॉन्सिडेंट रूट्स भी बोला जाता है।
मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो परफेक्ट स्क्वायर बोल दिया जाए या फिर इसको कॉन्सिडेंट रूट भी बोल दिया जाए, एक ही बात होती है। अब जब बात करते हैं डी इक्वल टू नॉट, डी नॉट इक्वल टू जीरो की, डी जीरो नहीं है, डी जीरो नहीं है तो इसकी दो बातें होगी कि सर जीरो नहीं है तो क्या है फिर, तो इसकी दो बातें होगी, जीरो जीरो नहीं है तो डी या तो लेस देन है या फिर डी ग्रेटर देन है, दो ही बात हो सकती है। डी अगर जीरो नहीं है तो या तो डी जीरो से छोटा है या डी जीरो से बड़ा है। अब डी जीरो से छोटे वाले के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट बात में ये बात भी है, अगर जीरो से छोटा है तो क्या होगा, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जीरो से छोटा के लिए क्या होगा, ये आपका हाँ जी, ये श्री द्राचार्य फॉर्मूला है, और इसमें अगर ये डी जीरो से छोटा हुआ, डी अगर जीरो से छोटा हुआ तो यहाँ इमेजिनरी आएगा, क्या आएगा, आयोटा आएगा, क्या आएगा, आयोटा आएगा, और आयोटा आएगा तो उसको इमेजिनरी बोलेंगे, तो हम लिख देंगे कि थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं कलर, रूट्स आर इमेजिनरी, और इसमें एक खासियत और है, इमेजिनरी रूट होते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं, जैसे रूट्स में लिखता हूं, रूट्स में लिखता हूं कि एक रूट है आपका अल्फा रूट है पी प्लस आयोटा क्यू, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट बोला जाता है, ये पी है आपका बी और ये आयोटा के साथ हो जाएगा जो भी बनना है। हमने जब एक ये एग्जाम्पल लिया था, इसके एक रूट इमेजिनरी था तो दूसरा रूट भी क्या होगा, इमेजिनरी है, कॉन्जुगेट है, दूसरा रूट भी क्या है, कॉन्जुगेट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर एक रूट इमेजिनरी है तो इसका दूसरा रूट भी इमेजिनरी होगा। हाँ तो बीटा क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट का मतलब है जहाँ आयोटा है वहाँ माइनस आयोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू आई। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ देखिएगा एक रूट है माइनस आयोटा प्लस रूट 19 है ना 19, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा माइनस रूट 19, बोलो अरे हाँ या ना, तो कोई दिक्कत है, तो एक रूट के साथ दूसरा रूट फ्री है तो इसको बोलते हैं कि कॉन्जुगेट है। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर। अच्छा एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं एक रूट देता हूँ 3 प्लस 4 आयोटा तो बीटा क्या होगा। हाँ जी, एक रूट मैंने दिए हैं 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट का मतलब है जहाँ आयोटा है वहाँ माइनस आयोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। दुनिया वाले इसको ऐसा भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 प्लस आयोटा 4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा 4। हाँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। क्लियर है सारी बातें, क्लियर है, तो इसमें मोटी मोटी बातें और ऐड करते हैं। मोटी मोटी बातों में एक चीज है कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो है, डी ग्रेटर देन जीरो है तो इसके दो चीजें होती हैं, कि ग्रेटर देन जीरो है डी मतलब रूट में आती है कोई चीजें, और रूट में कोई चीज है, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर एक वैल्यू में 24 लेता हूँ और दूसरी वैल्यू में 25 लेता हूँ तो इसका क्या मीन्स हुआ, डी की एक वैल्यू 24 है दूसरी की वैल्यू 25 है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा एक बात और, जब डी ग्रेटर देन आपका जीरो होता है, डी ग्रेटर देन जीरो होता है
तो रूट्स इसके डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, मतलब अलग अलग आते हैं, तो इसको नोट डालिएगा यहाँ और इसको लिख दीजिएगा डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग। और इसमें भी हमने एक कहानी स्टार्ट की है कि अगर कोई रूट 24 है या 25, 25 का मीन्स होता है परफेक्ट स्क्वायर। और इसका मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हाँ जी, जब परफेक्ट स्क्वायर आता है सर तो क्या बनता है, तो क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा भाई, थोड़ा सा इसको छोटा करके साइड में ले लेते हैं। जब परफेक्ट स्क्वायर आता है तो क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और दूसरा डी परफेक्ट स्क्वायर। हाँ जी, दो कंडीशन बना दी हैं, एक तो डी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, दूसरा डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर की, ध्यान से सुनिएगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि रूट में परफेक्ट स्क्वायर आने हैं, मतलब सोल्व हो जाना। तो परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट रियल होंगे और क्या होंगे, रेशनल होंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सारी बातें, है ना। इनके पत्ते खुलते हैं। अब बोल रहे हो कि सर पॉइंट में पॉइंट, पॉइंट में पॉइंट का मतलब है इसके पत्ते खुलना, है ना, टक टक टक। लेकिन याद रखने का तरीका है इसका, सिंपल तरीका है, बस मैं एक बार ये एक्सप्लेन कर दूँ, ये लास्ट है हमारा, है ना। इसके कोई पॉइंट्स नहीं होंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब होता है कि इसके रूट रियल होना, क्या है, रूट्स आर रियल एंड इस रेशनल। रियल में भी कौन से होंगे, रेशनल होंगे। रियल में भी कौन से होंगे, रेशनल होंगे। अच्छा सर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो क्या दिक्कत होगी, परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो क्या दिक्कत होगी, ये बात सुनिएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि रूट में 24 आया है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे इसको, आप इसको लिखोगे 2√6, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2√3√2। अच्छा, रूट में क्या है, रूट में आया है प्राइम नंबर। 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है। 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर आते हैं तो उसको बोलते हैं इरेशनल। हाँ, ध्यान से, जब रूट में क्या आता है, प्राइम नंबर, तो आपका क्या आता है, इरेशनल नंबर। अच्छा सर, ये प्राइम नंबर क्या होता है, सभी को पता है ना, हमारी बेसिक क्लास में बात हुई थी। और प्राइम नंबर के बाद रेशनल नंबर क्या होता है, ये भी बात हो गई थी। इरेशनल नंबर को बोलते हैं हिंदी में अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। और इसको बोलते हैं प्रिमेय। हिंदी वाले बच्चों के लिए, जो पी बाई क्यू में होती है। और ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या। जो रूट में 2, √3, √5, √7, रूट में आपके 11, √13। क्लियर है सारी बातें। तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि जिस दिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उस दिन क्या होगा, रूट में प्राइम नंबर होगा। कोई भी नंबर प्राइम नंबर से मिलके बना होता है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आप जो भी नंबर लेना चाहते हो प्राइम नंबर से मिलके बना होता है।
प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई होता है, जैसे हमने 24 लिया है तो क्या कर दिया उसको, टू रूट सिक्स कर दिया, रूट सिक्स को हम रूट थ्री इंटू रूट टू कर सकते हैं जो प्राइम नंबर है। तो कोई भी नंबर है आपका वो प्राइम नंबर से मिलकर बना होता है, प्राइम नंबर के फैक्टर होता है, वो क्या होता है, प्राइम नंबर का फैक्टर होता है। ध्यान से सुनिएगा, प्राइम नंबर को हम इरेशनल नंबर बोल देंगे, और सुनिएगा तो इसके रूट ना रियल के साथ इरेशनल होंगे, तो हम बोल देंगे कि रूट्स आर इरेशनल, रूट्स आर इरेशनल। इसकी एक कहानी और सुनिएगा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ही है, अगर इसका एक रूट इरेशनल रूट है तो इसका दूसरा रूट भी इरेशनल ही होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर एग्जांपल देखिएगा, है ना, कॉन्जुगेट होगा वो भी, है ना, ये भी पेयर में होता है, 2+√3 है एक रूट, जैसे मैं इसको अल्फा लिख लेता हूँ कि अल्फा इक्वल टू 2+√3 है, तो इसका बीटा होगा ही होगा 2-√3, ये भी कॉन्जुगेट पेयर में होगा। हाँ जी, ये भी किस में होगा, कॉन्जुगेट पेयर में होगा। इंपॉर्टेंट बात है, और इसको आप अपने जी ध्यान से सुनिएगा, नेचर ऑफ रूट की बात करते हैं, तो नेचर ऑफ रूट को इजीली किस तरीके से देखा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ मैं बताता हूँ। डी एक जीरो होता है, अगर डी जीरो आ गया है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, डी जीरो आ गया है तो उसको सेम रूट आएंगे और उसको परफेक्ट स्क्वायर आएगा, वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट में होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट में होगी। दूसरा, जब डी नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो उसके दो केस होते हैं, कि डी ग्रेटर देन जीरो है या डी लेस देन जीरो है। डी लेस देन जीरो है तो आपको देखते ही माइंड में आ जाना चाहिए, डी लेस देन जीरो है तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसके रूट्स दोनों होंगे इमेजिनरी, रूट इमेजिनरी होंगे और वो दोनों कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। बात खत्म हो गई है। फिर डी ग्रेटर देन जीरो की बात आती है, तो डी ग्रेटर देन जीरो में भी दो बात आती है, माइंड में रखिएगा दोनों बात कौन सी है। डी ग्रेटर देन जीरो में एक बात आती है कि डी परफेक्ट स्क्वायर बनना या डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर बनना। डी ग्रेटर देन जीरो में परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके रियल और इरेशनल रूट होंगे, इसके रूट्स रियल होंगे और रेशनल होंगे, और जब डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके रूट रियल होंगे और वो इरेशनल होंगे, और इरेशनल रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। मैं नोट में डालता हूँ यहाँ ना, नोट में देखिएगा, नोट में नोट में पहला देखिएगा कि डी इक्वल टू डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो देन रूट्स आर इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट पेयर, है ना। एग्जाम्पल के लिए लीजिएगा का अल्फा अगर ए प्लस आयोटा बी है तो बीटा इसका हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी। हाँ जी, एग्जाम्पल ले लीजिएगा, हाँ। और दूसरा, अगर डी आपका ग्रेटर देन जीरो है और उसमें भी डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन, है ना, रूट्स आर रियल एंड इरेशनल
एंड कॉन्जुगेट पेयर। और कॉन्जुगेट पेयर की बात करते हो तो एग्जाम्पल लेते हैं कि एक रूट अल्फा आपका पी प्लस रूट क्यू है तो इसका बीटा होगा पी माइनस रूट क्यू। बस बात इतनी है। हाँ, ये दोनों बात बहुत इम्पोर्टेंट बात है, दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, लिख लीजिएगा भाई इनको। बहुत इम्पोर्टेंट बात है भाई आपकी, ये नोट बहुत इम्पोर्टेंट है। नेचर ऑफ रूट की जो छोटी छोटी बातें थी हमने बात कर ली है। कोई भी नंबर आप बोल रहे हो कि सर आपने ये बोला है कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर के फैक्टर होते हैं तो ये रियल है।